सपने और देजा चू का डंडा मुश्किल से हजम हुआ था, अब ये मतलब इस चूचे का मूत मूत नहीं बारूद। हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। चलो 2023 मास मसाला एक्शन मूवी के साथ साथ कॉमेडी मूवी भी डिलीवर कर रहा है। इट मीन्स ये कि सीरियसनेस के साथ साथ मजाक मस्ती भी तो चाहिए ना बाबा। तो यस, अगर आप भी थोड़ा फन कॉमेडी और ठहाका मारने वाली हंसी के ठिठोले ढूंढ रहे हो तो यस, फुकरे 3 आप ही के लिए बनी है। जी दोस्तों, बॉलीवुड कॉमेडी फन एंड ड्रामा मूवी के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल एक्शन मास मसाला को घुसेड़ने के चक्कर में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका फ्लॉप होता रिजल्ट हमें पिछली कुछ एक फिल्मों में देखने को मिल गया था, लाइक सर्कस। दूसरी तरफ बॉलीवुड कॉमेडी का सोर्स थोड़े एडल्ट जोक का सहारा लेता है और लिटिल बिट वल्गैरिटी डालने की भी कोशिश करने लग गया था, जो आप फैमिली के साथ देखने में डेफिनेटली हिचकिचाओगे। बट फुकरे 3 में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक बार के लिए कहूं तो यस, ये ऐसी अंडरडॉग मूवी है जिसका कॉन्टेंट किंग है, और थर्ड पार्ट तक अगर ये सर्वाइव करके पहुंची है तो सिर्फ अपने कॉन्टेंट के दम पर, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में जो आग लगाई थी वो हम सब जानते ही हैं, और सेम चीज थर्ड पार्ट में भी हमें देखने को मिलेगा और मिल रहा है। कंटेंट इज द किंग, बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि इस मूवी में कोई लीड फेस तो है नहीं, ये जितने भी कैरेक्टर हैं सब मिल बांट के इस मूवी को एक्टिंग के कंधे पर रखकर आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमारा चूचा द ग्रेट इस बंदे ने पहले भी निराश नहीं करा था और इस पार्ट में भी निराश नहीं करेगा, निराशा हाथ नहीं लगेगी। और मैं आपको बता दूं तो इस बंदे को वरदान मिला है डेजा बू का नहीं, डेजा चू का, जिसे पहले ही सब कुछ दिख जाता है, और यह बंदा अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट निकल गया या पीछे रह गया, रिकॉल एंड माइंड में ही रिवर्स करके डिटेल टू डिटेल एक एक चीज की परख कर लेता है और आपको किसी भी नई मुसीबत से निकाल देता है या फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है। यस, वहीं दूसरी तरफ पंकज त्रिपाठी को वन लाइनर दिया गया है और यही काफ़ी है उनका सभी पे अकेला भारी पड़ने के लिए। चूचा का असली प्यार भोली आपको इस बार राजनीति में घुसती नजर आएंगी, और मूवी के एंड में आपको विथ फुल ऑफ कॉमेडी फन एक सोशल मैसेज भी दिया जाएगा, वो भी चूचा अंदाज में। तो मूवी जबरदस्त है, हंसते हंसते अगर आपके पेट में दर्द हो जाए, इस मंजर की तलाश में काफी लंबे समय से हो और वो ढोल धमाल और हेरा फेरी वाला मोमेंट फिर से जीना चाहते हो, तो यस, फुकरे 3 जिंदाबाद है दोस्तों। फैमिली के साथ जाओ और मूवी इंजॉय करो, क्योंकि फुकरे 3 को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि घर की तीनों जनरेशन इस मूवी को एक साथ साथ बैठ कर देख सकते हैं, बच्चे जवान और दादाजी वाला एरा। बाकी मूवी की लेंथ है 2 घंटा 25 मिनट, जिसको 40 करोड़ के सॉलिड बजट में कंप्लीट करा गया है, जिसके डायरेक्टर हैं मृगदीप सिंह लांबा, जिन्होंने फुकरे के पहले 2 पार्ट तो बनाए ही हैं, साथ में रूही और खानदानी सफाखाना जैसी फिल्में भी दे रखी हैं। तो कंटेंट बेस पर बताऊं तो ये मूवी फाड़ के रख देगी। फैमिली ऑडियंस की इस टाइम प्रीफरेबल चॉइस होने वाली है कौन सी, फुकरे 3, और नो डाउट ये मूवी 200 करोड़ का बिजनेस तो करके ही जाएगी। तो आपकी क्या राय है, क्या मूवी 200 करोड़ पहुंच पाएगी या 100 करोड़ टच कर जाएगी, या जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और आपने पहले दोनों पार्ट देख लिए हैं तो उनमें से बेस्ट पार्ट कौन सा है आप लोगों का, और जिसने तीसरा पार्ट भी देख लिया है तो इन तीनों में से आपकी बेस्ट मूवी कौन सी है, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा मजेदार लगा, कौन सा आपकी नज़र में बेस्ट कॉमेडी फन को कैरी कर रहा है, और आपका बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है इस मूवी में, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।